हे संसार में बिखरे हुए लोगों विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमात्म से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है न परलोक है

मनुष्य कर्म ना जीव बध्य जीव कर्म से बंधता है तो सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा तरीका है जिससे कर्म भी करें और बंधन भी ना हो हे मनुष्य इसका बड़ा ही आसान तरीका है इसका बड़ा ही सहज तरीका है इसका बड़ा ही सरल तरीका है आप कर्म फल में आसक्ति नहीं रखिए एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया कि यह कैसे हो सकता है फल प्राप्ति की इच्छा तो सबकी रहती है मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह पूछता हूं कि क्या इच्छा करने से फल की प्राप्ति होती है नहीं ना क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है जो व्यक्ति फल की इच्छा रखता है उसका मन फल के बारे में सोच सोच कर सोच सोच कर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं और उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की थी इस सच को जितना जल्दी हो सके जान लीजिए कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है फल की प्राप्ति मनुष्य के आधी नहीं है अब सवाल यह उठता है कि फल की प्राप्ति कर्म के आधी नहीं है तो मनुष्य कर्म ही क्यों करें अगर यदि फल प्रारब्ध के अनुसार ही मिलना है तो प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है जो प्राणी ऐसा सोचता है उसके लिए मुझे यह कहना है कि आपके मन में फालतू प्रश्न उठे उससे पहले आप यह तो जान लीजिए कि प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध बनता कैसे है लोगों की धारणा यह है कि प्रारब्ध ईश्वर की इच्छा से मिलती है यह सोच एकदम गलत है क्योंकि ईश्वर किसी का प्रारब्ध नहीं बनाते ईश्वर न तो किसी व्यक्ति के कर्म और न कर्म फल के हिसाब में दखल देते हैं इसीलिए किसी भी मनुष्य के प्रारब्ध बनाने में ईश्वर का कोई दखल नहीं होता अब सवाल यह उठता है कि जब प्रारब्ध ईश्वर नहीं बनाते हैं तो कौन बनाता है प्रारब्ध मनुष्य का अपना कर्म अर्थात ये कि प्राणी जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल पाएगा अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा मनुष्य के इसी अच्छे और बुरे फल का जो हिसाब है उसी का नाम है प्रारब्ध अपने पुण्य फल के कारण मनुष्य सुख और अपने पाप फल के कारण मनुष्य दुख इसी जन्म में या अगले जन्म में भोगता ही है वह है टल नहीं सकता है इसीलिए अकर्मण्य होकर निरंतर अपना कर्म करते रहिए और मन में पक्का विश्वास रखिए कि आप जिस नियत के अनुसार कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार आपको फल अवश्य ही मिलेगा कर्म का यह अटल विधान है इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता हे मनुष्य मनुष्य का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता उसके हर कर्म का फल अवश्य ही मिलता है इस तरह कर्मों के अनुसार मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध लिख दिया जाता है इसी कारण मनुष्य हर जन्म में अपने कर्मों के कारण शरीर से बन जाता है इसी कारण मनुष्य हर जन्म में अपने ही कर्म के कारण कर्मबंधन में बन जाता है इसी कर्मबंधन में बन जाने के कारण आवागमन में वह फंस जाता है अर्थात मनुष्य जन्म जन्मांतर तक जन्म मृत्यु रूप चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता इसको विस्तार से सुनिए मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य अधिक होते हैं पाप के अधिकता के कारण मनुष्य दुख भोगता है और पुण्य के अधिकता के कारण मनुष्य सुख भोगता है दोनों पाप और पुण्य का मनुष्य दुख और सुख फल भोगते हुए दूसरे नए जीवन में प्रवेश करता है तब उसका हिसाब मनुष्य के दूसरे नए जीवन के खाते में लिख दिया जाता है इस तरह इस नए कर्मों को भोगने के लिए वह है एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर तक यह सिलसिला लगातार चलता ही रहता है और मनुष्य के आत्मा का मिलन अपने परमात्मा से नहीं हो पाता है जिसे मोक्ष कहते हैं हे मनुष्य मोक्ष पाने के लिए अगर मन बनना ही पड़ेगा और कर्मों के फल का त्याग करना ही पड़ेगा लेकिन यदि वह मनुष्य चाहे कि मैं कर्म ही ना करूं तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति के गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है सन्यासी भी कर्म करते हैं वह भी खाना खाता है वह भी उठता है बैठता है तथा साधना करता है जब सन्यासी भी कर्म से अलग नहीं हो सकते हैं तो आप कैसे होंगे हे मनुष्य जब कर्मों से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो मनुष्य कर्म कैसे करे कि मनुष्य को पाप और पुण्य से मुक्ति मिल जाए इसका उपाय यह है कि मनुष्य फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे ऐसा करने से फल तो उसे अवश्य मिलेगा परंतु मनुष्य इस फल को विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपना कर योगी बन जाते हैं यही महान सत्य है मनुष्य को पाप और पुण्य से मुक्ति मिल जाए इसके लिए दूसरा उपाय है आप जो भी कर्म करते हैं जो खाते हैं जो पीते हैं जो हवन करते हैं जो दान देते हैं जो तप करते हैं वह सब ईश्वर को अर्पण करो इस प्रकार जिस व्यक्ति का कर्म ईश्वर के अर्पण होते हैं उनके कर्मों का पाप और पुण्य फल यानी कि शुभ और अशुभ फल नष्ट हो जाता है वे व्यक्ति शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उससे मुक्त होकर ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो